गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता का इंस्टीट्यूट। दोस्तों, करेंट अफेयर्स आज की डेट अर्थात 9 जुलाई का करेंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। इसमें स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? आपका ऑप्शन सही हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट है हरियाणा, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अब आपको मालूम होना चाहिए एशिया का अगर सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, यदि आपके भारत में अर्थात कहाँ मध्य प्रदेश में लिखा है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। क्योंकि आपको मालूम है कि आप भी ऑलरेडी एशिया में निवास कर रहे हैं, और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट अगर आपके MP में लग रहा है, तो वह क्वेश्चन 100% बनने के चांस है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही आपने पुराने क्वेश्चन को, अगर पुराने करेंट से अगर आपका रिलेशन होगा, तो आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पावर प्लांट, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े सोलर प्लांट की अगर हम बात करेंगे, तो आपको मालूम आपने मिर्ज़ापुर वगैरह के बारे में सुना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन उस समय बने थे जो है। तो ये थोड़ा विशेष ध्यान देना कि एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, MP में किया जाएगा। अब चर्चा कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा MP के बारे में कि मध्य प्रदेश से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि करंट जो भी कोई क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो मिसलिनियस से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, जो भी बनेंगे, वो करंट के बिहाफ पर ही बनते हैं। MP की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी वगैरह के बारे में सभी को मालूम होगा, यहाँ के CM वगैरह आप लोगों ने रट रहा होगा। तो यहाँ से लिख करके पूछेगा कि सबसे स्वच्छ शहर, मोस्ट बड़े क्वेश्चन आपका पूछता है कि सबसे स्वच्छ शहर। तो मध्य प्रदेश का एक शहर है जो कि लगातार 2017 से आज भी टॉप पर है, और उस शहर का नाम है दोस्तों इंदौर। क्या नाम है? इंदौर। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब लिख करके पूछेगा कि भारत के किस स्टेट को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो भारत के मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्लियर। लिख करके पूछेगा कि सर्वाधिक सोयाबीन प्रोडक्शन करने वाला राज्य, सोयाबीन के मामले में अग्रणी अगर राज्य की बात करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा यानी सर्वाधिक मात्रा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही विशेषकर फोकस करेंगे, वहाँ आपका ऑप्शन सोयाबीन ही सही होता है। मध्य प्रदेश में आपके जलप्रपात वगैरह भी हैं, और साथ साथ में जैसे आपका धुआंधार जलप्रपात है, सहसधारा जलप्रपात है, ये सब MP में मिलेंगे, और आपके टाइगर रिजर्व भी मिलेंगे। तो टाइगर रिजर्व की थोड़ी चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में आपका जैसे मिल गया, एक तो है पेंच। पेंच आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा में आता है। ऐसे लिख करके पूछेगा बांधवगढ़ वगैरह, या लिख करके पूछेगा मोस्ट बड़े क्वेश्चन यहाँ पन्ना, पन्ना स्थित है आपको मालूम होना चाहिए MP में। और क्या विशेषता? ये हीरे की खान है। किसकी? हीरे की खान है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास MP से रिलेटेड हैं। जब इंडिविजुअल कभी स्टेट वगैरह आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल फोकस करेंगे। बट इस क्वेश्चन को विशेष फोकस करिएगा, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट, बार बार आप लोगों को फोकस करें, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट। अब आजकल सोलर की ही चर्चा हो रही है, तो जो है कल इसको आप कुछ क्वेश्चन में आपको बताना रहेगा कि एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, और वो भी कहाँ होगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ कौन बने? आप लोग इंस्टाग्राम यानी जितने भी जो है सोशल साइट वगैरह सब लोगों से जुड़े हुए हैं, सभी सोशल साइटों के बारे में जानने, आपने सुना होगा कि पुराने पेपर्स वगैरह में आपने देखा होगा टिकटॉक की बड़ी चर्चा थी। टिकटॉक कंपनी कहाँ की, इसके ऑनर कौन है, आपने देखा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन गए। तो इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अर्थात क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ कौन बने हैं? ऑप्शन से काइली जेनर, डेविन जॉनसन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों जाएगा डेविन जॉनसन। क्या हो जाएगा? डेविन जॉनसन। अब इसमें एक क्वेश्चन और आपका है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किससे संबंधित है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये फुटबॉलर हैं। क्या हैं? फुटबॉलर हैं। क्लियर। अब इंस्टाग्राम के साथ साथ आपको मालूम है कि फेसबुक,
फेसबुक के संस्थापक का नाम आपने सुना होगा मार्क जुकरबर्ग। और ये जो है अरबपतियों की सूची की अगर हम बात करें तो इनका जो है वर्ल्ड में 5वां स्थान है। और ये मार्क जुकरबर्ग साहब हमारे यहाँ ताजमहल जो कि 7 वंडर्स में उसका दीदार करने आए थे, तो उन्होंने इसकी बड़ी प्रशंसा की थी। तो इंस्टाग्राम वगैरह पे ये कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ वर्तमान की अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चार जेम्बो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है? मिजोरम, मेघालय, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। अब हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चार जेम्बो कोविड, आपको मालूम है कि ये जो है कोविड, और कोविड आपको मालूम है कि कोविड जो है लगातार कंटिन्यू चर्चा में है। कोविड के बारे में कभी डिटेल टॉपिक लेकर के आएंगे और कोविड के इस बारे में जानना अति आवश्यक है। क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है। कोविड की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसको WHO ने क्या नियम लिया, यानी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन ये आपको मिलेंगे। तो अगर लिख करके पूछेगा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चार जम्बो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया, तो वो जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के वो? महाराष्ट्र के। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि महाराष्ट्र के वर्तमान CM कौन हैं। महाराष्ट्र से संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं। महाराष्ट्र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अभी हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का जो पहला राज्य दोस्तों वो कौन सा? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे, अगर कोविड की अगर हम बात करें या कोरोना की बात करें तो सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य आपका कौन सा है? जो है वो महाराष्ट्र ही है। और ये महाराष्ट्र जो है भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला जो शहर है वो महाराष्ट्र है। इसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला ये पहला राज्य बना। तो जम्बो कोविड की अगर हम बात करेंगे तो दिमाग में रखना ये महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के देहिन पटकाई वन्य जीव अभ्यारण को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है? बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनको राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है। तो ऐसे ही है कि देहिन पटकाई वन्य जीव अभ्यारण, हाल ही में किस राज्य के देहिन पटकाई वन्य जीव अभ्यारण को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है?